इसके आगे एक और तकनीक डेवलप करने की कोशिश ये है कि हाइड्रोजन को फ्यूल बनाकर ये किया जाए, और अगर वहां पर बर्फ मिलती है तो बर्फ यानी पानी, पानी का कंपोजिशन है H2O, तो अगर मैं ऑक्सीजन को सेपरेट कर दूं तो वहां मेरे पास हाइड्रोजन होगा और वो ईंधन रिफ्यूलिंग के काम आ सकता है। यहां तक की सोच हमारे वैज्ञानिक रखते हैं, लेकिन कदम आपको धीरे धीरे, वन बेबी स्टेप, पहला बेबी स्टेप की सेपरेशन हो जाए, दूसरा बेबी स्टेप की ये जो विक्रम रेंजर है आपके सामने, ये विक्रम रेंजर है, ये अपनी टांगों पर लैंड करे, और इसलिए इसकी अब की बार उसकी टांगों को और सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया है। जैसे ही ये विक्रम रेंजर वहां लैंड होता है, इस विक्रम रेंजर को अब की बार और ज्यादा ताकतवर, मजबूत और थोड़ा सा और स्टर्डी बनाया गया है। इसीलिए पेलोड यानी कि वजन, जब रॉकेट यहां से उड़ा था तब 3.9 टन्स था, तो पिछली बार जितना, जबकि इसमें ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर तो पहले ही है, तो इसको और भारी वजनदार बना दिया गया। और इसमें थोड़ा सा और फजी लॉजिक लॉड किया गया कि अगर ऐसा हो जाए कि सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो उस लास्ट एन कुछ चंद सेकंड और मिनटों के लिए वो अपने आप कैलकुलेशंस इस तरह करे कि थ्रस्ट इंजन चले और रुक जाए। चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर, चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने कहा था करीब 1:30 बजे, 1:15 से 1:35 के बीच में उम्मीद थी, 1:24 पर न्यूज 18 इंडिया पर अखाड़ा में आपको ये अपडेट कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर। ये पहले भी साध चुका है भारत चंद्रयान 2 के साथ, तो चंद्रयान 3 में ये पूरी तरह से होना ही था, ये तयशुदा था, औपचारिक था, हो चुका है औपचारिक रूप से। इसरो से भी अब इसका ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान बहुत जल्दी होगा, लेकिन चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया अब अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है, जहां अब ये विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुदा होने के बाद अपने खुद का एक ऑर्बिट तैयार करेगा, जो अरुण यादव ने हमें अभी दिखाया था, और फिर जैसे ही वो लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करता है, धीरे 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 चांद की सतह के और करीब पहुंचेगा और एक ऐसा ऑर्बिट तय करेगा जहां उसकी एकदम निकटतम जो दूरी है वो सिर्फ 30 किलोमीटर की होगी, और वहां से वो फिर लैंड करने की कोशिश करेगा रिवर्स थ्रस्ट के साथ, ताकि धीरे हो जाए, स्पीड कम हो जाए और लैंड करे। और जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड होता है, उसके बाद वहां से उसके अंदर से निकलेगा ये, इसे कहते हैं प्रज्ञान रोवर। ये प्रज्ञान रोवर भी अब की बार पिछली बार से ज्यादा काबिल बना दिया गया है। क्यों? इसके अंदर जैसे स्पेड फावड़ा खुरीदने के लिए चांद की सतह को, और फिर उसको कलेक्ट करके उन सैंपल्स को ड्रॉप सही जगह पे, और जिसके इमेजेस फिर भेज दिए जाएं, और इसमें वो एनालिटिकल एबिलिटी भी है कि वो बता सके कि वो चांद पर जो सतह है, उस सतह पे जो मिट्टी है, उस मिट्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस सतह में क्या क्या मिल रहा है। और जैसा अरुण बता रहे थे, तीन होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, जैसे अर्थ का है। और इस एटकिंस बेसिन में उम्मीद ये जताई जा रही है कि चांद की ऊपरी सतह और बीच की सतह दोनों के सैंपल्स हमें मिल पाए, और ऐसा और कोई देश नहीं कर पाया है। इस एटकिंस बेसिन में अगर विक्रम लैंडर लैंड होता है तो ये करने वाला भारत एकमात्र देश होगा, और चांद की सतह से 2 लेवल्स की सॉइल के सैंपल्स वापस भारत दुनिया को दिखाना और उस टेक्निक को, तो ये इसका रिसीव ट्रांसमिट एंटीना है जो ऊपर उठेगा, और यहाँ जो ये कलेक्ट करता है प्रज्ञान रोवर वो उधर रखेगा, उसे फिर एनालाइज करने की भी इसमें कंप्यूटिंग एबिलिटी है, जो कि इसरो के स्पेस स्टेशन के साथ उसका लिंक होगा। करीब 20 सेकंड के टाइम गैप के बावजूद इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इन सैंपल्स की वीडियो इमेजिंग वापस हमारे पास आएगी, और इन सैंपल्स की एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सारा नॉलेज हमें मिलेगा चांद के एक दिन में। चांद का एक दिन यानी कि धरती पर 14 दिन, यही इस प्रज्ञान रोवर की जिंदगी है। यह विक्रम लैंडर है, यह विक्रम लैंडर का डोर ओपन होता है, जैसे ही इसकी लैंडिंग होती है लैंडर का डोर ओपन होगा आसपास के वातावरण को देखने के बाद, और फिर उधर से एक रैंप नीचे उतरेगा, उस रैंप से फिर यह प्रज्ञान रोवर रोल करके यहां चांद की सतह पर पहुंचेगा। विक्रम लैंडर का टचडाउन, फिर वो रुकेगा, आसपास के वातावरण को भापेगा, उसके बाद वो रैंप खुलेगा और ये प्रज्ञान रोवर धीरे 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 चांद की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरकर वो भ्रमण करेगा, उसमें ये ताकत है कि कहीं और कुछ दूरी तक जाए, सिर्फ आसपास के दो तीन मीटर ही नहीं, कम से कम 200 से 300 मीटर तक जा सके, और वो सतह के ऊपर उसको नेविगेट भी करे, अगर ऊबड़ खाबड़ भी रहेगी तो भी ये जा सकता है। जा करके ये वापस आएगा और इन सैंपल्स को वापस
विक्रम लैंडर के अंदर रखेगा। इसमें ये एबिलिटी है कि वो मॉनिटर कर सके, खुद काम भी कर सके और इसको जमीन से यहाँ इसरो से ऑपरेट भी किया जाएगा लॉजिक के द्वारा। ये हमारे वैज्ञानिकों की एबिलिटी है और उनका अचीवमेंट है। प्रियंका कांडपाल वापस हमारे साथ आ रही है, अरुण यादव भी हैं। जो विक्रम रेंजर का सेपरेशन था वो तो होना ही था, इसको तो औपचारिक माना जा रहा है कि भाई ये करना है तो कर दिया हमने। अरुण से पूछिए कि धीरे धीरे ये जो ऑर्बिट जो अपना तय करेगा, जहां 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी, तो ये वो अलग रेडियस है, उन्होंने पहले भी दिखाया था एक डायग्राम के द्वारा, जरा उसको एक बार फिर एक्सप्लेन करें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट होने के बाद विक्रम रेंजर का ऑर्बिट कैसा होगा। जी बिल्कुल, वीडियो के माध्यम से समझना चाहेंगे अभी कि जिस तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल से अभी विक्रम लैंडर जो है ये अलग हो गया है, आगे ये किस तरीके से काम करता है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे अगर कर दूं आप। हाँ, आगे का बताइए कि किस तरीके से ऑर्बिट बनाता है। हाँ जी, दिख रहे हैं, दिख रहा है जी अरुण। अब आप कहें कि अरुण समझाएं इसे। कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होती हैं जो पहले ये चंद्रयान 3 ने अर्थ के चारों तरफ बनाई थी, उसके बाद धीरे धीरे ऑर्बिट को, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑर्बिट का साइज बड़ा करते 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 और अब चंद्रमा की ऑर्बिट में ये एंटर किया। अब चंद्रमा की ऑर्बिट को इसने धीरे धीरे छोटा किया और अब ये वो पल है जहाँ पे विक्रम लैंडर जो है, आप देखिए अभी दोनों ये साथ साथ चल रहे हैं। अब धीरे विक्रम लैंडर धीरे धीरे अपनी ट्रेजेक्ट्री जिसे बोलते हैं वो बदल देगा। हाँ।